So dear students, assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel. Education is the key to success. So aaj hum exercise 6.5 ka aagaaz karenge. Aur pehla question hai, find an equation of ellipse with a given data and sketch its graph. Maine pehli martaba bhi bataya tha ki graph aapko banane ke liye wo nahi kahenge. तो हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स. आपको एलिप्स के लिए क्या चाहिए होता है? आपका सेंटर अगर 0-0 पे है, तब की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको चाहिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू. जस्ट अच्छा, पहला पार्ट आपको क्या क्या गिवन है? फोकस, एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10. माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10. ठीक हो गया. अच्छा, फोकस है, मैंने आपको बताया कि आपके पास वैल्यू आ जाती है सी की. ये एक्स एक्सिस पे है, तो आपकी सी की वैल्यू होगी 3. माइनर एक्सिस की लेंथ आप पहले लिखें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 10. और मैं पहले बता चुका हूं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है बी और बी डैश का डिस्टेंस, जो के 2b के बराबर होता है. तो आप यहां क्या लिखेंगे, 2b इज इक्वल टू 10. 2 1 2 2 5 10, और आपकी b की वैल्यू भी आपके पास आ गई 5. ठीक है, अब आपको c, आपके पास b आ गया और c है, आपको a की वैल्यू निकालनी है. आप एक रिलेशन जानते हैं, c स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर. तो ए स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए सी स्केयर प्लस बी स्केयर. तो सी स्केयर क्या है, 3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, जो कि 9 प्लस 25. तो ए का स्केयर हो गया 25 और 9 34. अच्छा, और ए की वैल्यू अंडर रूट 34. अब आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, इसको यहाँ लिख लें, ए इज इक्वल टू 34 का अंडर रूट, और b की वैल्यू भी गुड हो गया. इक्वेशन ऑफ एलिप्स आप हेडिंग देंगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी. अच्छा, जिस लाइन पे आपके फोकस वर्टिसेस होते हैं उसी लाइन पे आपका फोकस होता है. तो यहां फोकस का x एक्सिस 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, या y y 0 है, तो आपकी यानी कि इलिप्स x एक्सिस पे है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो x स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, x स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 34 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू होगी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो x स्क्वायर ओवर 34 प्लस y स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1. ठीक है, यही आपकी इक्वेशन है. अब आपके पास क्या है, पार्ट नंबर, अब कौन सा हम अटेम्प्ट करेंगे, पार्ट नंबर 3. यही आपकी क्वेश्चन है, इसकी तो ये हल हो गया. अब पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं. इसमें आपके पास क्या है,
फोकस है, माइनस थ्री इंटू अंडर रूट थ्री और जीरो, एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस को आप ए से डिनोट कर लें, प्लस माइनस सिक्स और जीरो। आपको इससे सी की वैल्यू मिल जाती है और इससे आपको ए की वैल्यू मिल जाती है। अब आपको बी की वैल्यू चाहिए तो आप रिलेशन यूज करेंगे, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहां से बी की वैल्यू निकालने के लिए बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, और ए स्केयर हो जाएगा सिक्स का स्केयर माइनस सी का स्केयर थ्री इंटू अंडर रूट थ्री का स्केयर। उसके बाद आपके पास ये 36 माइनस थ्री थ्री नाइन, ये इसका स्केयर होगा तो अंडर रूट खत्म, नाइन थ्री 27, और 36 में से जब 27 जाएगा तो आपके पास 9 बच जाएगा। बी स्केयर की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 3। अच्छा, अब आपके पास बी भी आ गया, ए भी है, तो आप इक्वेशन अभी बना सकते हैं, राइट। अच्छा, अभी ये सारे सेंटर वो है जिनका सेंटर जीरो, सारी एलिप्स वही है जिनका सेंटर जीरो जीरो पे है, बिकॉज क्या आप देखें, आपकी एक चीज़ है, जब सेंटर जीरो जीरो पे नहीं होगा तो फोकस के दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, वर्टिसेस के भी दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। अच्छा, आपका बी क्या निकला है, 3। अब आप लिखेंगे आवर इलिप्स विल बी, या इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी, क्या होगी इक्वेशन इलिप्स की, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर किसके नीचे आना है, जिस तरह होंगे आपके वर्टिस होंगे और वर्टिसेस आपके एक्स एक्सिस पे हैं, सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अभी सेंटर की बात मैंने की, सेंटर जीरो जीरो पे है, उससे आप एक और भी अंदाजा लगा देते हैं कि आपके फोकस जो है ना वो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, थ्री इंटू अंडर रूट थ्री है, यहाँ प्लस माइनस सिक्स इंटू जीरो है। फोकस का मिड पॉइंट आप ले लें तो जीरो आएगा, और वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट ले लें तो जीरो आएगा, और जीरो जीरो आएंगे। तो फिर मैंने क्या बताया था, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड वर्टिसेस, इस वजह से अभी सेंटर जीरो जीरो पे ही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक्स के ए की वैल्यू डाल लें सिक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी की वैल्यू डालें थ्री का स्केयर इज इक्वल टू 1, एक्स स्केयर ओवर 36 प्लस वाई स्केयर ओवर 9 इज इक्वल टू 1, और यही आपकी इलिप्स है। अब पार्ट नंबर 6 पे आप आ जाएं, हम करेंगे सारे पार्ट्स पर थोड़ी सी तरतीब, प्रॉब्लम हो सकता है, ताकि वो भी आपकी आसानी के लिए। पार्ट नंबर 6 में आपको वर्टिसेस गिवन है 0 और प्लस माइनस 5, इसेंट्रिसिटी भी गिवन है 3/5। इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाती है, ए की। ई किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू ए ओवर सी इज इक्वल टू ए, तो ई किसके बराबर होगा, सी ओवर ए, सी ओवर ए इज इक्वल टू 3/5। ए आपका 5 के बराबर है और सी आपका फिर 3 के बराबर हो जाएगा, तो इसने मैं बताया कि सी किसके बराबर है, 3 के बराबर। अब आपको बी की वैल्यू चाहिए, आगे हमारी रिलेशन है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सी स्केयर सॉरी बी स्केयर की वैल्यू आपको चाहिए, तो बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, और वेट अ मिनट,
ओके तो हमें अब बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर और ए की वैल्यू 5 का स्क्वेयर माइनस सी की वैल्यू 3 का स्क्वेयर, 25 माइनस 9, सो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 और बी किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। अब आप बी की वैल्यू अपनी ऊपर लिख लें कहीं, फिर हम देखते हैं हमारी इलिप्स की इक्वेशन क्या है। बी इज इक्वल टू 3। अब आप लिखेंगे आवर इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी, ए स्क्वेयर किसके नीचे आएगा, जिस अलोंग आपके वर्टिसेस हैं, आपका वर्टिस वाई एक्सिस के है, तो वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वेयर ए की वैल्यू 5 का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर बी की वैल्यू 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, सो वाई स्क्वेयर ओवर 25 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। यही आपका आपके इलिप्स की इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 6 में एक गलती हो गई छोटी सी, के हमने बी की वैल्यू गलत निकाली है। बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, तो ए का स्केयर 5 का स्केयर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये 25 माइनस 9 ये 16 आ जाता है, तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर, बी किसके 4 के बराबर। अब यहाँ अपनी बी की वैल्यू चेंज करें 4, यहाँ भी चेंज कर लें 4 का स्क्वायर, तो यहाँ भी चेंज कर लें 16, ये सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है। अच्छा अब हम पार्ट नंबर करेंगे 7। पार्ट नंबर 7 में पहले करवा चुका हूं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा है। अच्छा पार्ट नंबर 7 को मेंशन कर लें, मैं लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल कराई है एज एग्जांपल 1 ऑन पेज 287, ये मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ, ये बिल्कुल उसी तरह है, तो आप उसी एग्जांपल को देख के कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर 9 अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट नंबर 9 का डाटा क्या है, सेंटर आपको बताया हुआ उसने पार्ट नंबर 9 में कि 0 0 है। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द बोथ एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड 6 1। सेंटर लिख लिया, मैं आपको समझाता हूं, 0 और 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक ए पॉइंट आप कह लें 2 3 और एक बी पॉइंट कह लें 6 1। आपके इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आप लेट कर लें कि क्या हो सकती है, हम एक जनरल फॉर्म लेट कर लेते हैं, तो आप इसको लेट करें, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब आप लिखें एक और चीज लेट करके, लेट नहीं आपको पता है। अच्छा आपकी इलिप्स कहाँ से पास कर रही है, इन दो पॉइंट्स से, तो इट्स मीन ये दोनों पॉइंट्स आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। आप लिखें एज ए 2 3 लाइज
ऑन रिक्वायर्ड इलिप्स पुट एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, और आप इसको इक्वेशन नंबर वन लेट कर लें. मैं क्या कर रहा हूं, एक्स की जगह टू, हमें ए और बी चाहिए होते हैं ना इक्लिप्स के लिए, वाई स्क्वायर ओवर वाई की जगह थ्री ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, फोर ओवर ए स्क्वायर प्लस नाइन ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. आप इसका फोर बी स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, नाइन ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. अच्छा, फिर आप इसको देखेंगे कि ये बन जाएगी नाइन ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. आप इस इक्वेशन को नाइन ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कह लें. हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इंशाल्लाह हम निकाल लेंगे. अब आप क्या करेंगे इन द सेम प्रोसेस, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी उससे भी इलिप्स पास कर रही है, तो आप एक और इक्वेशन बना लें. एस बी सिक्स एंड वन लाइज ऑन रिक्वायर्ड इलिप्स, पुट एक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन. एक्स की जगह सिक्स का स्केयर ओवर इसका वाई स्केयर की जगह वन का स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन, थर्टी सिक्स ओवर ए स्केयर प्लस वन ओवर बी स्केयर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे थर्टी सिक्स बी स्केयर प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू ओवर ए स्केयर बी स्केयर इक्वल टू वन. ये आपको क्या बता रही है कि ए स्केयर प्लस थर्टी सिक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर थ्री लेट कर लें. ये इक्वेशन नंबर थ्री है. अब आप ऐसे करें, सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन थ्री को इक्वेशन टू से. Subtract equation 3 from equation 2. आपकी equation 2 क्या थी, 9 a square plus 4 b square is equal to a square b square. आप minus करेंगे equation 3 को इससे, जो के है ए स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स बी स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो जब माइनस करते हैं तो साइंस बदल जाते हैं, ये प्लस का नेगेटिव का हो गया एट ए स्क्वायर, ये भी नेगेटिव का हो गया माइनस का, थर्टी सिक्स में से फोर जाएगा तो थर्टी टू बी स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव आपस में कट जाएंगे यहाँ जीरो. आप इनमें से एट कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. आप ए स्क्वायर एट उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू फोर बी स्क्वायर आपके पास आ गई. अच्छा, अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लें, ठीक है, ये ए स्केयर की वैल्यू. पुट वैल्यू ऑफ ए स्केयर इन
इक्वेशन थ्री, क्वेश्चन थ्री क्या थी? ए स्केयर, तो ए स्केयर की जगह 4b² प्लस 36 बी स्केयर और ए स्केयर बी स्केयर, तो ए स्केयर की वैल्यू थी वहां 4b² और फिर बी स्केयर। अच्छा ये हो गया 36, 36 और 4 40, बी स्केयर इज इक्वल टू 4b² और बी स्केयर, एक बी स्केयर से एक बी स्केयर कट गया, 4 से ये 10 हो गया, तो ये आपके पास बी स्केयर जो है ना ये आ गया 10 के बराबर। और आप देखिए आपको अपनी क्वेश्चन में बी स्केयर की वैल्यू पुट करनी होती है, तो हम बी स्केयर की वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा बी स्केयर की वैल्यू आ गई आपके पास 10, इसको आप याद रखिएगा। अब आपके पास एक रिलेशन है कि ए स्केयर इज इक्वल टू बाय रिलेशन, कौन सा रिलेशन? के ए स्केयर जो है वो 4b² के बराबर है, तो ए स्केयर इज इक्वल टू 4 और बी स्केयर किसके बराबर है? 10, तो ए स्केयर किसके बराबर आ गया? 40 के। अब आप इस ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर लें। पुट वैल्यू ऑफ ए स्केयर एंड बी स्केयर इन इक्वेशन वन। एक्स स्केयर ए स्केयर था 40, वाई स्केयर बी स्केयर था 10 इज इक्वल टू 1, यही आपके इलिप्स की इक्वेशन है। अच्छा इसके बाद पार्ट नंबर 9 अटेम्प्ट हो गया, अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 10 की तरफ। सेंटर गिवन है 0 0, लिख लें। मेजर एक्सिस हॉरिजेंटल है, मेजर एक्सिस हॉरिजेंटल है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जहां मेजर एक्सिस होती है उसी अलोंग आपकी इलिप्स होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आपको फर्क पता है। मेजर एक्सिस हॉरिजेंटल, अब उसने बता दिया है। अच्छा हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस वाली, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। अब अगर मेजर एक्सिस हॉरिजेंटल है तो इसमें आपकी इलिप्स कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। ये हमें गिवन डाटा से ये बातें पता लग रही है, पिछले में नहीं बताया था, फिर हमने जनरली लेट कर लिया था, एक्स स्केयर के नीचे ए स्केयर हमने पुट कर दिया। द पॉइंट्स जहां से आपकी इलिप्स पास करती है वो पॉइंट्स गिवन है, एक को ए कह लें 3 और 1 और एक को बी कह लें 4 और 0। अच्छा आपकी इक्वेशन किस तरह की होगी? ये बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह है, मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, क्योंकि उसने कहा हॉरिजॉन्टल है तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर उसी तरह आप इसमें ए पॉइंट पुट करके एक इक्वेशन निकालेंगे, एक बी पॉइंट पुट करके उनको सॉल्व करके आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, और उन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप इसको कह लेंगे कि आपकी ये इक्वेशन 1 है। आप इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करके अपनी इलिप्स की इक्वेशन निकाल लेंगे। पार्ट नंबर 10 बिल्कुल लास्ट बेसिस की तरह है, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन पार्ट हल किया है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं।
पार्ट नंबर टू में आपको आपके फोकस है जीरो एंड माइनस वन एंड जीरो एंड माइनस फाइव, और मेजर एक्सिस की लेंथ है हमें ए और बी चाहिए, याद रखिएगा, मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ सिक्स। हमें क्या पता है, एक पॉइंट हमें पता है कि वी नो। अच्छा, अब आपका जो है ना सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोकस या वर्टिसेस, तो हम वही लिख रहे हैं, वी नो दैट सेंटर इज दी मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। तो सेंटर सी, आगे वो जीरो और प्लस जीरो बाय टू और माइनस वन प्लस माइनस फाइव बाय टू, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए जीरो बाय टू और माइनस सिक्स बाय टू, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जीरो और माइनस थ्री। ओके, यानी कि अब आपका सेंटर जो है ना वो जीरो जीरो पे नहीं है। जब सेंटर जीरो जीरो पे नहीं होता तो क्या होता है, एक्स रिप्लेस हो जाता है एक्स माइनस एट से, और वाई रिप्लेस हो जाता है वाई माइनस के से, और एच आपके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो के होता है वो आपके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होता है। आपको एच और के की वैल्यूज भी पता लग गई। अपना सेंटर आप ऊपर कहीं लिख लें, मैं तो ऊपर लिख लूँगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर है। सो योर सेंटर इज जीरो एंड माइनस थ्री। आपके पास सेंटर आ गया, मेजर एक्सिस। अच्छा, अब आप लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू सिक्स। मेजर एक्सिस की लेंथ मैं पहले बता चुका हूँ कि ए और ए डैश के डिस्टेंस के बराबर, और वो टू ए निकलती है हमेशा, तो टू ए इज इक्वल टू सिक्स और ए इज इक्वल टू थ्री। चलें, अब आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, हमें तो सिर्फ ए और बी की चाहिए वैल्यू, या आप लिख लें ए इज इक्वल टू थ्री। अच्छा, फोकस जिस तरह ए और ए डैश का डिस्टेंस टू ए के बराबर है, बी और बी डैश का डिस्टेंस टू बी के बराबर है, इस तरह एफ और एफ डैश का डिस्टेंस टू सी के बराबर है। हमारे पास ए आ जाए तो हम बी कब निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास सी भी मौजूद हो। हमारे पास दो फोकस हैं, हम उनका डिस्टेंस निकालेंगे, वहां से हमें टू सी मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो मोल का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव प्लस वन होल का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ऊपर अंडर रूट, जिसमें फोसाई का स्क्वायर टू सी के बराबर, जीरो माइनस जीरो जीरो का स्क्वायर और माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर का स्क्वायर, और टू सी जो है वो जीरो और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो टू सी किसके बराबर आ गया, सिक्सटीन का अंडर रूट सी, टू सी होगा फोर, और सी किसके बराबर होगा, टू के बराबर। आप अपने सी की वैल्यू भी ऊपर लिख लें, टू के बराबर आई है। अब आपके पास एक रिलेशन है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहां से बी स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्केयर माइनस सी स्केयर, ए की वैल्यू थ्री माइनस सी का स्क्वायर टू का स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू नाइन माइनस फोर जो कि फाइव, और बी की वैल्यू अंडर रूट फाइव।
आप अपने ऊपर बी की वैल्यू भी लिख लें, अंडर रूट फाइव मेजर एक्सिस की लेंथ बता लगी। अच्छा अब फोकस का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका यानी कि वाई एक्सिस पे लाई करती है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। वाई स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर अंडर रूट फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। वाई स्क्वायर ओवर नाइन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फाइव इज इक्वल टू वन, यही आपकी इलिप्स की इक्वेशन। अच्छा एक बात, लेट मी सॉरी फॉर दिस, मैंने आपसे कहा था कि आपका सेंटर तो है ही नहीं जीरो जीरो पे, तो आपका एक चीज आपको करनी है कि वाई किससे रिप्लेस हो जाएगा, वाई माइनस के से, और एक्स किससे रिप्लेस होगा, एक्स माइनस एट से। तो y माइनस के किसके बराबर है, y प्लस थ्री हो जाएगा, ये k है सेंटर का y कोऑर्डिनेट, और x स्केयर x माइनस जीरो का स्केयर, तो यानी कि ये y प्लस थ्री का स्केयर और x स्केयर ओवर फाइव, यही आपकी इक्वेशन है इलिप्स की। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास पार्ट्स है, पार्ट नंबर फोर, इसमें क्या गिवन डेटा है, वर्टिसेस दो है, यानी कि ए माइनस वन और वन, और ए डैश फाइव और वन। फिर आगे फोकस है दोनों फोर और वन, और दूसरा है जीरो और वन। आपका सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोकस, तो C इज द 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, C 4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 बाय डिवाइडेड बाय 2, फिर C जो है 2 और 1, सेंटर आपका 2 और 1, सेंटर का x कोऑर्डिनेट h, y कोऑर्डिनेट k, आप सेंटर के ऊपर लिख लें 2 और 1। जब सेंटर 0 0 पर नहीं होता तो x रिप्लेस होगा x माइनस h से और y रिप्लेस होगा y माइनस k से। आपके पास C की वैल्यू आ गई, सॉरी सेंटर आ गया, अब आपको सी और ए की वैल्यू चाहिए, तो ए और ए डैश फाइव माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन माइनस वन, ये टू ए के बराबर, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, वन माइनस वन जीरो का स्क्वायर जीरो, ये थर्टी सिक्स के अंडर रूट के बराबर, टू ए सिक्स के बराबर और ए जो है वो थ्री के बराबर। अच्छा इसके बाद सी की वैल्यू निकाल लेंगे,
एफ फोर एफ डैश, जीरो माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर पर अंडर रूट, माइनस जीरो माइनस फोर माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, प्लस वन माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो अंडर रूट, ये टू सी के बराबर और ये फिर सिक्सटीन ये फोर के बराबर और सी जो है वो टू के बराबर। आप ऊपर लिख लें सी जो है वो आपका टू के बराबर है। अच्छा अब आपके पास रिलेशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर नाइन माइनस फोर और ये आ जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव और बी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव। आप यहाँ लिख लें बी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव। अच्छा अब आपको ये कैसे पता लगाना है कि आपकी इलिप्स किस अलोंग है, तो आप देखें तो आपके पास सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सेंटर है आपका। यहां पर आपको इलिप्स की इक्वेशन इस तरह मिलेगी, हाँ आपने देखना है वर्टिसेस का कौन सा है यहां पे ना, वर्टिसेस माइनस वन, वन माइनस वन हमने कहा ये हो जाएगा टू और माइनस वन फाइव फोर ओवर टू, जब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे सेंटर इससे भी मिल सकता था। आपकी ये इलिप्स है एक्स एक्सिस कह लो जिसपे चेंज आ रहा है, देखें वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कांस्टेंट है तो ये आपकी एक्स एक्सिस पे है, तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, जहां चेंज आ रहा है उस साइड पे आपकी इलिप्स है। एक्स किससे रिप्लेस हो जाता है, एक्स माइनस एच से, वाई रिप्लेस होता है वाई माइनस के से, जिसके नीचे ए जिससे लॉन्ग एक्सिस होती है जिससे लॉन्ग आपकी इलिप्स है उसके नीचे ए स्केयर बाकी दूसरे के नीचे बी स्केयर और वन, एक्स माइनस एच माइनस टू होल का स्केयर और ए स्केयर क्या है थ्री का स्केयर प्लस वाई माइनस के वन का स्केयर बी स्केयर अंडर रूट फाइव का स्केयर इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस टू होल का स्केयर ओवर नाइन इज इक्वल टू वाई जमा वाई माइनस वन होल का स्केयर ओवर फाइव इज इक्वल टू वन, यही आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अच्छा इसके बाद हम पार्ट नंबर एट अटेम्प्ट करेंगे। सेंटर आपको गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट टू और टू, उसने कहा मेजर एक्सिस इज पैरेलल, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है पैरेलल यानी कि इस तरह दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में, तो मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इट्स मीन मेजर एक्सिस है ही पैरेलल, एंड मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ऑफ लेंथ, आप लिख लें मेजर एक्सिस कौन सी है वाई एक्सिस, लेंथ क्या है एट यूनिट्स, उसके बाद माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ
सिक्स यूनिट्स। मेजर एक्सिस की लेंथ एट, टू ए के बराबर होती है और एट ए इज इक्वल टू फोर। माइनर एक्सिस की लेंथ सिक्स के बराबर और वो टू बी के बराबर होती है, बी इज इक्वल टू थ्री। आगे भाई ए और बी की वैल्यू आ गई। अब आप अपनी इलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं और मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो वाई के नीचे आपका ए स्क्वायर होगा और जब आपका सेंटर जीरो जीरो पे ना हो तो आपका वाई रिप्लेस होता है वाई माइनस के से और एच एक्स रिप्लेस होता है एक्स माइनस एट से। और एच क्या होता है आपके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और के होता है आपके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई माइनस सॉरी आप पहले लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लिप्स y माइनस के होल का स्केयर प्लस x माइनस एच होल का स्केयर। मेजर एक्सिस y एक्सिस है उसके नीचे ए स्केयर इधर b स्केयर और 1 y माइनस के 2 प्लस x माइनस 2 a x माइनस एच एच भी 2 के बराबर है इन दोनों पे स्केयर और ए स्केयर। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 4 का स्केयर प्लस b की वैल्यू 3 का स्केयर y माइनस 2 का स्केयर और ये 1 के बराबर होगा 16 प्लस x माइनस 2 होल का स्केयर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 और यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है y माइनस 2 होल का स्केयर ओवर 16 प्लस x माइनस 2 होल का स्केयर इज इक्वल टू 1। अब आपके पास पार्ट नंबर 5 है। अगर फोकस गिवन है सॉरी फॉर दिस 0 और सॉरी 0 नहीं है अंडर रूट 5 और 0 और फिर माइनस अंडर रूट 5 और 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट और एक पॉइंट आगे पर गिवन है जिससे वो पास कर रही है 3 और 2 और अंडर रूट 3। आप इससे क्या खर्च कर सकते हैं कि आपकी सी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5। बाकी अब आपको ए और बी चाहिए आप ऐसे करें आपके पास रिलेशन है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ए स्केयर क्या हो सकता है सी स्केयर माइनस बी स्केयर सॉरी ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर होगा सी स्केयर ए स्केयर इक्वल सी स्केयर प्लस बी स्केयर। आप ए स्केयर और आपके पास सी की वैल्यू है अंडर रूट 5 का स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर किसके बराबर हो गया 5 प्लस बी का स्केयर। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 करके अपने पास स्टोर कर लें हमें इसकी आगे जरूरत पड़ी। ए स्केयर की हमारे पास वैल्यू आ गया 5 प्लस बी स्केयर ओके। अच्छा आपकी इलिप्स किससे लॉन्ग होगी आप लिखें आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी आपके फोकस एक्स एक्सिस पे हैं तो ये एक्स के अलोंग होगी और सेंटर अगर हम इनका मिड पॉइंट लें तो जीरो ही आएगा सेंटर वाली बात अपनी नहीं देखनी। एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अच्छा इसके बाद आपका पॉइंट जो P है आप लिखें एज
3 by 2 and under root 3 lies on required ellipse. बिल्कुल पीछे parts में एक इस तरह का step किया था. So put x is equal to 3 by 2 and y is equal to under root 3 in equation 2. आप इसको put करें, यानी कि कुछ इस तरह होगा 3 by 2 का square over a का square plus under root 3 का square over b का square is equal to 1. फिर इसको सॉल्व कर ले. आपके पास एक इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करने से, कुछ जो कि इस तरह की होगी, 12 a स्क्वायर प्लस 9 b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर b स्क्वायर. अच्छा, आगे भाई यही क्वेश्चन आ जाएगी. इसके बाद आपने इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का दोबारा लिख लें, 12 a स्क्वायर प्लस 9 b स्क्वायर इक्वल टू 4 a स्क्वायर b स्क्वायर. हमने इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाली थी a स्क्वायर की. आप लिखे पुट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर जो हमने उधर इक्वेशन 1 से निकाली थी, यानी कि 12 a स्क्वायर की वैल्यू 5 प्लस b स्क्वायर 9 b स्क्वायर 4 a स्क्वायर की वैल्यू 5 प्लस b स्क्वायर और फिर एक b स्क्वायर. आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी 4 b स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे आप, फिर ये इक्वेशन आएगी. मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप्स ले रहा हूँ. 4 b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 0. जब फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 4b की पावर 4 होगा, 4b की पावर 4 माइनस 16 बी स्क्वायर और प्लस 15 बी स्क्वायर माइनस 60. फैक्टराइजेशन, इसमें से आप 4 बी स्केयर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बी की 4, ये बी स्केयर माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से आप 15 बी स्केयर माइनस 4 आ जाएगा. सो बी स्केयर माइनस 4 और फिर 4 बी स्केयर प्लस 15. आपके पास यहाँ से बी स्केयर की वैल्यू आप निकाल लेंगे. सो बी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और बी स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर. आप बी स्केयर की वैल्यू को याद रखें, इधर 4 बी स्केयर प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो बी स्केयर क्या हो जाएगा, माइनस 15 बाय 4. आप कह लें ये इन आयोटा टर्म्स आएगी, तो आप इसको लिख लें दिस इज नॉट पॉसिबल. तो यहां से आपने बी स्केयर की वैल्यू ले ली. अब अपनी बी स्केयर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें. पुट वैल्यू ऑफ बी स्केयर इन इक्वेशन 1. वो किस तरह की थी, ए स्केयर इज इक्वल टू 5 प्लस बी स्केयर. सो ए स्केयर इज इक्वल टू 5 प्लस बी स्केयर, तो बी स्केयर की वैल्यू आपके पास थी 4, तो ए स्केयर की वैल्यू आपके पास 9. आप इसी को याद रख लें. अच्छा, आगे भाई ए की वैल्यू भी आ गई, ए स्केयर की भी और बी स्केयर की भी. अब आप कह सकते हैं कि आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, अच्छा आप ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें. पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ. वो कुछ इस तरह की थी,
एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दिस वाज इक्वेशन नंबर टू। अब आप यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर टू। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली थी 9 प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।